अगर आप भी लता मंगेशकर के बहुत बड़े फैन हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में उनके नाम पर एकमात्र चौक कहां पर बना है? अयोध्या जी में, जहां दीपावली पे हर साल दीपोत्सव होता है, उसी राम की पैड़ी के करीब है लता मंगेशकर चौक। यहाँ वीणा है, कमल के फूल हैं और लता ताई की आवाज कंटिन्यूसली सुनाई पड़ती है, और ये स्तंभ भी है। ये क्यों बना है बताती हूँ। अयोध्या जी में पीएम मोदी जी की इच्छा थी ये लता जी की याद में कुछ अलग नायाब सा बने, और सीएम योगी जी के आदेश पर एक ही महीने में ये बन के तैयार हो गया। संगीत की देवी माता सरस्वती का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वीणा, इसी के द्वारा लता जी को याद करते हैं। और यहाँ पर जो लोटस दिखाई पड़ते हैं, 92 लोटस इस पानी में, कितने साल की थी लता जी। और साथ ही ये संगीत के जो सात सुर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सात स्तंभ। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं कि अर्चना, ये चौक जो है वो अयोध्या जी में ही क्यों? तो जवाब सिंपल सा है जनाब। क्या हम जानते हैं कि लता जी ने राम जी पर सबसे अधिक भजन गाए हैं? है ना कमाल? और यही भजन आपको यहाँ भी सुनने को मिलेंगे जब आप पधारेंगे अयोध्या जी में लता मंगेशकर चौक पर। जिनके ऊपर माँ सरस्वती की हमेशा कृपा रहती है, दुनिया उन्हें भारत कोकिला लता मंगेशकर कहती है।